हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक आपके सारे पास भी बहुत अच्छे। आज मैं मेरा कॉलोनी का व्यू दिखा रहा हूँ। मैंने कॉलोनी में नया बंगाली फिंच और नया जेब्रा फिंच डाली है, वही आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर और इसमें पीछे भी और ऊपर भी बहुत सारे फिंच बैठे हुआ है। मैं इन सारे से ब्रीड नहीं लूँगा, कुछ को मेरे संदीप दाए उदा ले जाएंगे और मेरे कुछ सेल कर देंगे और अच्छे वाले को रख के बीट लेंगे, इस कॉलोनी में बीट करेंगे। तो देखिए हम लोगों को शायद अच्छा लगे। यहाँ पर 12 प्लेयर बंगाली फिंच थे और 14 या 15 प्लेयर जेब्रा फिंच थे। बहुत अच्छे कलर का जेब्रा फिंच है और बहुत अच्छे कलर का बंगाली फिंच है। हम लोग देख सकते हैं ऊपर भी बैठे हुआ है और मैंने तो दाना और पानी भी दे दिया और बहुत ज़्यादा करके स्टिक भी लगा दिया। स्टिक कम हो रहा था पहले, तो मैंने कल ही लाया इन सारे फिंच को और अभी छोड़ दिया। जहाँ से लाया, जिन भाई फ्रेंड्स के पास से लाया, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये सारा मेरा फिंच है। मैं इन सारे बंगाली फिंच को भी बीट कराऊंगा और सारे जेब्रा फिंच को भी बीट कराऊंगा। और जब मैं बॉक्स लगाऊंगा तब भी आप लोगों को वीडियो करके दिखाऊंगा कि आप फूड यूज़ कर रहा हो, क्या मेडिसिन दे रहा हो कॉलोनी में, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। कॉलोनी में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं वो भी बताऊँगा और क्या क्या प्रॉब्लम होती है कॉलोनी में वो भी आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोग देख सकते हैं सारे खाने के लिए आ गया, अभी सारे उतरेंगे शायद। ये अभी खा रहा है। सारे बंगाली फिंच है, मैंने कल ही लाया और रात को मेडिसिन दिया था और सुबह भी मैं मेडिसिन दिया हूँ पानी में। देख सकते हो मॉक्स 500 दिया मैंने, क्योंकि इनका रात लाने में रात हो गई थी, थोड़ा ठंड लग गई शायद, इसलिए मैंने मॉक्स 500 पानी में घोल के इन लोगों को दे दिया, क्योंकि जैसे इन लोगों का ठंड लग जाए तो वो रिकवर हो जाए। देख सकते सारे खा रहे हैं अभी। यहाँ पर एक वाइट का फीमेल है और अच्छा कलर का, और एक मेल भी है वाइट कलर का, देख सकते हैं। तो सारे अभी खा रहा है। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और मेरा कॉलोनी भी आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जो बटन है उसे भी प्रेस कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद कोने में जो बेल बटन आएगा उसे भी दबा देना, क्योंकि मेरा ये कॉलोनी का सारा व्यू आप लोगों को दिखाऊँगा तो आप लोग को वीडियो मिस कर जाएंगे अगर वो बेल बटन नहीं बटन दबाया तो। आपके बाद मैं जब वीडियो डालूँगा कॉलोनी का नया तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुँच जाएगा। और एक चीज़ बात आप लोग को भूल गया, ये मैंने एक देख सकते हैं लैम लगा के रखे है, ये 100 वाट का लैम है। और अभी तो गर्मी पड़ गई है, ठंड है, रात में थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ रही है, फिर भी मैंने ये 100 वाट का लैम लगाया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा गर्मी गर्माहट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ये बल्ब लगाया। आप भी जब नया फिंच लाओ या आपके सेटअप घर के अंदर हो तो आप जरूर ये 100 वाट का लैम्प लगा देना, अगर तो आपका छोटा कॉलोनी हो। और बड़ा कॉलोनी हो, बड़ा वाला कॉलोनी हो 10 फुट का या 20 फुट का, तब आपको 200 वाट या 100 वाट का दो बल्ब लगाना पड़ेगा, तब भी आपका जो फिंच है वो हेल्दी रहेगा और अच्छे से उड़ भी पाएगा और खा सकता है, खा भी पाएगा और जीत भी पाएगा। देख लीजिए मेरा ये पूरा कॉलोनी ऐसा दिखता है बाहर से, ऐसा अभी खा रहा है।